Shruti Smriti Puranam Adhya Karanam Shankaram Shankaracharyam Kesavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritam Vande Bhagavanta Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagini Yoma Vyapta Devaya Dakshina Murtaye Namaha. हाँ, मैं हिंदी में बोलता हूँ. यहाँ कहाँ किसी का थोड़ा मुश्किल होता है तो ऐसे हाथ उठे फिर एक बार बोलता हूँ. हाँ, सुनो. हम दो दिन पहले देखा और ये तीन रूप है, जागृत काल में, स्वप्न काल में, सुषुप्ति में. जागृत काल में इंद्रिय बुद्धि दोनों के साथ व्यवहार है, स्वप्न काल में केवल मन के साथ व्यवहार है. मन के साथ व्यवहार है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है व्यवहार करने के लिए, इसलिए व्यवहार नहीं है. इसलिए मेरा वास्तव में मेरा स्वरूप वही है ना. कैसा देखो, अभी वो दक्षिण में किसी का सिलेक्शन हो गया आर्मी में, वो इंटरव्यू वो शिमला में था. वो कब, जनवरी, बहुत ठंड है वहाँ पर, बहुत गर्म है उधर. वो मोटा मोटा ओवर कोट सब कुछ लेके गया, बोला सब कुछ पहन कर गया. लेकिन सबके साथ उसका वो हाइट एंड वेट देखता है क्या? नहीं देखता. वो वास्तव में उसका वेट एंड हाइट क्या है, वो शू को निकालता है, सब निकालता है, बाद में जितना है उतना हाइट उतना ही होता है. वो केवल मान रक्षा के लिए ये एक अंडरवेयर पहनता है, ठीक है. नहीं, उसी प्रकार इधर भी सब कुछ छोड़कर मेरे, मैं जब अकेला रहता हूँ वही मेरा वास्तव रूप है. उस समय मैं ज्ञाता हूँ, लेकिन ज्ञान क्रिया नहीं है. याद रखो इसको, ज्ञाता हूँ, ज्ञान क्रिया नहीं है. नो एक्टिविटी ऑफ नोइंग, बट आई एम द नोयर. उस समय मैं बहुत कुछ जानता हूँ मेरे बारे में. क्या क्या जानता हूँ? उस समय और किसी का संबंध नहीं था, जगत का संबंध नहीं था, मैं आनंद में रहा, इतना जानता हूँ. लेकिन मैं कौन हूँ नहीं जानता हूँ, है ना, नहीं जानता हूँ. इसलिए क्या करता हूँ, जागृत काल में मुझे मैं गलत समझ रहा हूँ. मतलब क्या है, वो मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, पकड़ने के लिए, सुनने के लिए, वो सूंघने के लिए कुछ ना कुछ है तो तब सुखी हूँ, नहीं तो नहीं है. ऐसा सोचकर कमाने में ही हूँ सब कुछ. मैं भूल जाता हूँ मैं जब अकेला रहा आनंद में ही रहा, इसलिए आनंद मेरा स्वभाव है. ऐसा नहीं, याद नहीं रहता है. इसका मतलब क्या है, मेरा स्वरूप को मैं नहीं जानता. मैं जानता हूँ, जानता हूँ, मैं अकेला हूँ जानता हूँ, शरीर से संबंध नहीं वो भी जानता हूँ, बोलने के बाद, जाने के बाद भी शरीर को संबंध देखता, शरीर से संबंध को देखता ही रहता हूँ ना. अभी मैं शरीर से संबंध मुझे देख रहा हूँ,
मेरा समझ शरीर से भी देख रहा हूँ, विश्व में देखता हूँ कैसा मेरा स्वभाव ही आनंद है, तो भी मैं क्या करता हूँ आनंद, वो बहुत अच्छा आनंद होता है उसका खाने में, वो बिस्तर में बहुत आनंद है, ऐसा विषयों में देखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा स्वरूप को भी मैं नहीं जानता हूँ, वो बाकी जगत का स्वरूप भी मैं नहीं जानता, समझ गया। अभी शास्त्र बताता है, सुनो, आपका स्वरूप को नहीं जानते हैं इसलिए आप गलत समझ रहे हैं, इसलिए आप दुख में फंसे हुए हैं। दुख से पार होने के लिए एक ही मार्ग है, आप ब्रह्म है ऐसा जानना। इतना हो गया। ब्रह्म क्या है? अच्छा, जगत का और आपका दोनों का कारण है, आपका दोनों का कारण ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्म मैं हूं जब समझता हूं, इसका मतलब क्या होता है, सुनो, कार्य और कारण में है संबंध क्या है? घड़ा है, मिट्टी है, मिट्टी घड़ा में मिट्टी ही मिट्टी है, उसको छोड़कर कुछ नहीं। यार ये भी एक घड़ा है, वो भी एक घड़ा है, इसमें भी ब्रह्म है, उसमें भी ब्रह्म है, समझ आ रहा है? उसको मैं जब जानता हूं, अरे रे रे, वो भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं, ऐसा जब ज्ञान आ जाता है, आ गया, तब वो द्वैत भाव नहीं है। जब द्वैत भाव नहीं है, मोह नहीं, द्वेष नहीं, असूया नहीं, उसको कमाना खाना पीना नहीं है, अरे मेरे स्वरूप में ही मैं आनंद में हूं, ऐसा हो, उसको ही मुक्ति बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। अच्छा, बाद में क्या पता, सुनो, इस मोक्ष को पाना चाहता है तो वेदांत को सुना, वो हो गया, मिल गया, ऐसा नहीं है ना। वो इस बात को समझने के लिए एक योग्यता चाहिए, सामर्थ्य, अधिकार। अधिकार किसको है? पूछा, सुनो, अधिकारी मतलब वो नौ गुण रहना। क्या क्या है? विवेक, मैं बाद में समझता हूं ये मैं अलग है, नहीं अलग नहीं है, लेकिन अभी मैं क्या समझना, मैं सुषुप्ति में हूं, उस समय जगत से संबंध ही नहीं मुझे, लेकिन उसको भूल कर मैं संबंध को देख रहा हूं, सिर्फ मैं सोचना शरीर का संबंध ही नहीं है, इसलिए मैं हमेशा एक ही प्रकार, मैं नित्य हूं, मैं नहीं मरता हूं, वो मरता है, सब कुछ शरीर मरता है, मरने वाला शरीर है, मैं न मरने वाला हूं, मैं शरीर कैसा हो सकता हूं जी? इसलिए पहले क्या करना, मैं शरीर से अलग हूं, इसको पक्का कर, इसको विवेक बोलता है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। अब दूसरा क्या है, नित्य वस्तु में आनंद है ही, उसको भूलकर हमेशा दूसरी वस्तु में ही व्यामोह कर रखा हूं,
इसलिए वैराग्य ना, जहाँ वैराग्य नहीं है वहाँ पर मोक्ष का अधिकार नहीं है, समझा? विवेक वैराग्य। बाद में क्षमा, क्षमा मतलब मन को निग्रह करना, ओ किसी मोह के बारे में कुछ ना कुछ जाता रहता है, ना ना ये सब कुछ अनित्य है, ऐसा छोड़ते रहता। क्षमा। दमा मतलब क्या है? इंद्रियों को निग्रह करना। उपरति, मेरे में ही, भगवान में ही रमण करना, है ना? तितिक्षा, आध्यात्मिका, आधिदेविका, आधिभूतिका बोला। ओ आधिदेव का मतलब ओ बिजली होता है ना, मर गया, बहुत बारिश हो गया था इत्यादि। और आधिभूति का मतलब अलग प्राणियों से होता है ना, वो है अलग प्राणियों से, अलग लोगों से। आध्यात्मिक मतलब मेरे में ही होता है, इसलिए इन तीनों को सहन करना तितिक्षा है, समझ रहा है? विवेक वैराग्य क्षमा दम उपरति तितिक्षा। श्रद्धा, भगवान में, वेद में, गुरु में अत्यंत विश्वास रहना, अचल विश्वास। सबको बोला हूं समाधान, मन को हमेशा समस्थिति में रखना, सुख मिल गया ऐसा कूदना, दुख हो गया ऐसा गिर जाना, ऐसा नहीं, समाधान। ओ आखिर का गुण क्या है? मुमुक्षा, मोक्ष में तीव्र इच्छा। सब लोग याद रखना, सबको ये तीनों नवगुण रहना ऐसा नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र नहीं बोलता है, किसको बोलता है? जो मोक्ष चाहता है उसको बोलता है। हमेशा याद रखो इसको, वेदांत में यह सबको वैराग्य बोलता है जी। क्या जी वैराग्य मतलब क्या है जी? ऐसा लोग पूछते हैं, सबको नहीं बोलता है, बाकी लोगों को क्या बोलता है, है ना? ओ आचार्य यृंदवाहृत्य प्रजातंत्रेद सी ही, अभी विद्यास खत्म हो गया, जाओ बाद में वो शादी करके मजा उड़ा लो, बोलता है। स्पष्ट बोलता है ना? सबको ऐसा नहीं बोलता है, कुछ लोग है मोक्ष आने वाले उनके लिए बोलता है ना? इतना हो गया। अभी ओ नवगुण है, अभी शास्त्र को समझ सकते हैं, बाद में मोक्ष भी मिल सकता है, लेकिन इतना नहीं जी हमको, सुनो शास्त्र को लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना ऐसा मत रखो, शास्त्र को सुनो, क्योंकि सुनने से ही मन के ऊपर एक परिणाम होता है, ये अच्छा है, पागल नहीं बनता है ना? इसलिए जो लोग सिर्फ वेदांत को सुनना चाहते हैं वो भी श्रद्धा से सुन लो, लेकिन एक याद रखो, केवल सुनकर गया तब
श्रवण का फल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं होता। अक्कल है इसलिए समझा, इतना ही होता। इसलिए आप डेढ़ घंटा इधर बैठा दो महीने, इसका मतलब इतना समय भ्रष्ट हो गया। आज अगर क्या करना, श्रवण करो लेकिन बाकी टाइम में अच्छी तरह से कर्म करो। कर्म नहीं करता है ये, कर्म है क्या, ये मैकेनिकल है, ये सब कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल में ही होना है। सुनो, बोलता हूं, संगी चाहने वाला कहां से शुरू करता है जी? अपने आप को ऐसा पीट कर सा पा सा बोलता है या नहीं? एक साल तक बोलता है या नहीं? तो पहले से आलाप शुरू करता है क्या? है जी, अभी डॉक्टर है और थोड़ा फट लिया और सर्जरी को जा सकता है? वो सर्जरी करने क्या करना पड़ेगा? वो डॉक्टर करता रहता है, उसको देखना पड़ेगा, उसको मदद करते रहना पड़ेगा, बाद में वो भी काटना थोड़ा थोड़ा, और बाद में ऐसे ठीक है वो गाली देता है तो गाली खाना और फिर एक बार ठीक करना, ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है नहीं? इसलिए जीवन में किसी विषय में हो, वो कहाँ से आरंभ करते हैं? ऐसा ऐसा पीट कर साधना करना, कर्म करना, हर एक विषय में ऐसा है, सिर्फ वेदांत में नहीं है। लेकिन हम कभी कभी वक्तार भी कभी कभी गलत बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ये ऊपर उठो, ये कर्म क्या है, ऊपर उठो ध्यान करो, ऐसा कुछ बोल देते, गड़बड़ हो जाता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बाद में कुछ साल ऐसा होने के बाद आखिर में क्या जी कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो जाता। इसलिए मैं जो बता रहा हूं वो शास्त्र बोलता है ना। शास्त्र क्या बोलता है? वो हम लोग जो है अच्छा कर्म करना। कर्म मतलब क्या है? जाप है, पूजा है, पारायण करना है, उपवास है, फूल को लेके आना, माला बांधना, डालना, रंगोली रखना, दीप जलाना, आरती करना, ये करते रहना। ऐसा ही करते रहा, धीरे 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 आता है, ये प्रैक्टिकल है। सब लोग याद रहता है ना? प्रैक्टिकल करके देखो, ये एक साल दो साल करो, कितना अच्छा लगता आप ही देखो। मैं हजारों हजार लोगों के बारे में प्रैक्टिकल खुद देख लिया बलात्कार से। सुनो, एक साल भर हर दिन जाप करना, पारायण करना, वृद्धाश्रम कितने बार करना है ना, हजार बार करना, सब करना बोला तो हजार नहीं है, 2000 बार करता है। बाद में वो साल के आखिर में बोलता है, स्वामी जी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। उस समय क्या करना, नियम से रहना, कहीं भी खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, कभी भी खाता हूँ, जितना भी खा सकता हूँ, ऐसा नहीं करना, नियम रहना। इसलिए नियम से रहकर पूजा पाठ किया, तैयार होता है मन, बाद में वेदांत को सुनो वैराग्य आता रहता है, बाद में धीरे धीरे मन एकाग्र होता है, भगवान के बारे में सोच सकता है, नहीं तो नहीं होगा। सबका स्पष्ट है? अभी आगे बढ़ेंगे।
क्या है, अभी अभी हम जानने के लिए तैयार है। जाने के लिए क्या करना मैं बोला हूं, वो श्रुति वाक्यों को, वो जैसा बोलता है वैसा, गुरु के द्वारा ही जानना है। ठीक है, गुरु के द्वारा क्यों जानना पूछा। मम व्यस्त योगम प्रोक्तवान स्वामे प्राहे ब्रवी, वो भगवान ही ऐसा बोलते रहा, वही संप्रदाय में आ रहा है। इसलिए संप्रदाय के अनुसार ही समझना। याद रखो, वेदांत शास्त्र इतना सर्वत्र भ्रष्ट होने पर भी वेदांत शास्त्र जिंदा है। अभी भी वेदांत सुनना चाहते हैं लोग, क्यों? बचा रखा है। कैसा बचा रखा है? संप्रदाय। संप्रदाय में, संप्रदाय का पालन करना, उसमें आनंद है। अजी वो मेरे दादा का दादा करता था, मैं भी कर रहा हूं। सिरे वो वंश में आ रहा है जी। अबरे एक बार समझिए, 13 जनरेशन से वो हमारे वंश में सब बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर्स हैं। वो कितना इंस्पिरेशन होता है, मैं भी होना होता है ना। इसलिए संप्रदाय के अनुसार सुनना, नहीं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ वही रिसर्च करके कुछ ना कुछ बोलता है, गपा हो जाता, गड़बड़ हो जाता। ये वही है, एक कर्म है, क्या है, छोड़ो, मैं कह रहा हूं ये भी नहीं वो भी नहीं। शास्त्र वैसा नहीं कहता। इसलिए शास्त्र संप्रदाय से जो सीखा है वो ही शास्त्र को बोलने से हम समझ सकते हैं। भगवान कैसा समझाता है इसको, बोलिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्, ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। तद्विद्धि, उसको समझो तत्व को कैसा। ओ ज्ञानी लोगों के पास जाओ, प्रणिपातेना मतलब क्या है, साष्टांग नमस्कार गिर जाना। यह मतलब क्या है, मैं लकड़ी हूँ जी, जीव नहीं है मेरे, मुझे आप ऊपर उठा रहा, मुझे जीव देना, मुझे एकदम शरणागत। बाद में क्या है, परिप्रश्नेना पूछना, ये संशय है, वो संशय है, ये कैसा। परिप्रश्न मतलब वाद नहीं करना गुरु के साथ, संशय है पूछना, संशय न पूछ के न रहना, है ना। अन्य सेवया, सेवा करना। शास्त्र में जो है बता रहा हूं, याद रखो। वो सब क्या करते हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्, उपदेश करेंगे, क्यों, तत्वदर्शिना, वो तत्व को जानते हैं, वो देखा है वो तत्व, है ना। इसलिए गुरु के पास जाना, तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवावगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रम् ब्रह्मनिष्ठम्।
गुरु के साथ रहना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और देखो यास को याद रखो, श्रोत्रियम मतलब क्या है को उसका समझने के लिए कहाँ जाना, वो गुरु के पास जाओ। गुरु कौन है? श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। श्रोत्रिय मतलब क्या है? वो श्रुति का संपूर्ण जानता है। केवल जानना उतना ही नहीं है, उसमें जैसा बोला है वैसा ही जीवन बिताता है। श्रोत्रिय मतलब मालूम हो गया ना आपको? श्रोत्रिय मतलब क्या है? श्रुति को जानने वाला, श्रुति के अनुसार जैसा कहा है उसी प्रकार जीवन वो चलाने वाला, वो श्रोत्रिय। है ना? बाद में क्या है? ब्रह्मनिष्ठम, हमेशा वो ब्रह्म में ही रहता है, उसको और कुछ काम नहीं है, ब्रह्म में ही रहता है। वे तद्विज्ञानार्थम, उसको समझने के लिए उधर जाओ, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठम। कैसा? समित पाणी। समित पाणी मतलब क्या है? वो समिधा मालूम है आपको? समिधा लकड़ी, उसको लेकर जाओ। उसको लेकर क्या जाना? ये उसको लेकर क्या जाना? पूछा, सुनो वहाँ पर लकड़ी मतलब तो सूखा हुआ लकड़ी, इतना 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 लेके जाओ। सुनो, लकड़ी का उपयोग कहाँ होता है? कर्म में होता है, हवन करने के लिए उपयोग करता है। मैं कर्म किया, सुख का अनुभव किया, पाप किया, दुख का अनुभव भी किया। अभी दोनों को ऐसा अनुभव करके 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 मुझे बोर लग गया, शायद मुझे पुण्य भी चाहिए, नहीं पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, मुझे कर्म भी नहीं चाहिए। इसलिए कर्म फल के साथ कर्म पूरा पूरा नष्ट हो जाना, केवल ज्ञान में रहना। इसलिए ये सूचक रूप से लेके जाता है। धाम से समिधाग्नि भस्मसात करते अर्जुन, समिधा अग्नि में डाला तो भस्म हो जाता है ना, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान मिल गया वो कर्म सब भस्म हो जाता है। सब कर्म, पुण्य पाप दोनों, है ना? श्रेय समित को लेके जाता है ना, गुरु के पास जाना ऐसा बोला है। लेकिन बहुत मुश्किल बात क्या है मालूम है? कौन है ठीक गुरु ना? हम बहुत विश्वास रखकर चढ़ जाते हैं किसी, क्या होता है मालूम नहीं है, कुछ ना कुछ एक प्रसंग होता है वो मन में बैठ जाता है, वो बहुत बड़ा है, हो गया। वो चाहता रहता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आखिर में एक बार मालूम होता है ये ठीक नहीं है ना, बाद में दुख होता है। हम देखा है नहीं ना, इसलिए वो मैं किसके पास जाना उसको देख कर जाना, मूड जैसा नहीं जाना। है ना? कैसा जान सकता है? देखो
रंग रंग बात किया, बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, ये पर्याप्त नहीं है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बोलता है जी, इट्स नॉट सफिशिएंट, अच्छा बोलता है, समझ सकता है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसका आचार ठीक रहना, सदाचार रहना, वो गृहस्थ है, गृहस्थ है तो गृहस्थ जैसा है वैसा रहना, उसका पूजा पाठ हो, वो लोगों से मिलना चलना हो, बात करने का हो, वो गुस्सा होता है, गाली देता रहता है, झगड़ा करता है, ऐसे तो हो सकता है क्या? इसलिए इसको समझ कर जाना, थोड़ा देख कर जाना। गुरु भी देखो, गुरु भी क्या है, गुरु हमको परीक्षा करके करता है, देता है। आप श्रुति में भी हो, बहुत जगह में है, सुना तो आश्चर्य लग जाता है। कोई शिष्य लोगों को बहुत कष्ट देता है कभी कभी, सिर्फ आपको याद रहने के लिए एक प्रसंग को बोलता हूँ। एक बार एक शिष्य आता है गुरु के पास, वो कैसा है, उसका शरीर पुष्ट है, अच्छा, वो 20 साल का लड़का, बहुत अच्छा है। वो बोला, ओ बेटा मुझे शिष्य ऐसा स्वीकार, बहुत अच्छा। बाद में उसके पास ये बहुत साधारण एक 10 गाय थे, सुनो ठीक सेवा करके ये सब अच्छे अच्छे गाय हो जाना, हाँ ऐसा करो। वो सुबह से रात तक उनकी सेवा ही है ना, और भिक्षा के लिए जाता है, खाता है, सेवा करके रहा। 2 महीने हो गया, बाद में ये खाना क्या करते हो, गुरु जी भिक्षा लेता हूँ, कभी एक बार भी मुझे भिक्षा मिला ऐसा मुझे नहीं दिया, मुझे ना अर्पण न करके तुम्हें कहते रहा। गुरु जी माफ करो, मैं नहीं जानता था आपको अर्पण करना ऐसा, घर से अर्पण करूंगा। वो भिक्षा लेके आया, मन में सोच रहा है गुरु जी के सामने ऐसा रखता हूं, हाँ ठीक है लेके जाओ खाओ, सब बोलता है ऐसा रखा है मन में, वो ऐसा रखा, ठीक है जाओ, बोला गुरु क्या कर रहा अभी, बाद में वो दूसरा दिन भी ऐसा है रखता है, जाओ चला गया। ऐसा 10 दिन हो गया तो भी अच्छा ही है। गुरु जी पूछा, अरे तुम बहुत अच्छा है, क्या खा रहा है आजकल, एक बार पूछा लेकर मुझे दे दिया, क्या खा रहा है, मैं फिर एक बार जा रहा हूं। गुरु जी बोल, तो गुरु जी बोल फिर एक बार, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के लोगों को, ओ तुमके लिए थोड़ा कुछ रिजर्व किया है, बाकी लोगों को भी तुम ही फिर एक बार गया, बाकी लोगों को जो मिलना वो तुमने छीन लिया, उसको ऐसा हो जाता है, ठीक है होगा। गुरु जी माफ करना, मैं नहीं जानता था, फिर एक बार नहीं जाऊंगा, बोला फिर एक बार भूषा लेके आता है, रखता है, जाओ बोलता है, अरे क्या करना, फिर एक बार भूषा को नहीं जा सकता। 15 दिन हो गया,
क्या आहार क्या ले रहे हो? गुरु जी मैं दूध निकालता हूँ, वैसे दूध अच्छा मिलता है पी लेता हूँ, इसलिए मक्खन कम हो गया, हवन के लिए मैं चाहता हूँ घी चाहता हूँ, घी है ही नहीं, सुन तुम पी रहे हो ये ठीक है क्या? गुरु जी कल से नहीं करूँगा। फिर एक बार अच्छा ही रहा, अभी क्या कर रहे हो? गुरु जी बछड़े ऐसा दूध को पीते रहते हैं बस, उस समय ईश्वर फैन आता है ना उसको खींच रहा हूँ उसको घर। ये इसलिए भजन सब कुछ दुर्बल हो गया, पतला हो गया, ये ठीक है क्या? बोला गुरु जी माफ करना ऐसा नहीं करूँगा, हो गया। गुरु पत्नी पूछती है गुरु जी क्या बहुत कष्ट दे रहे हैं बच्चा को, बहुत कष्ट दे रहे हैं। सुनो तुम नहीं जानती है क्या होता है, सुनते रहो देखते रहो, बाद में दूसरा दिन गया है, गाय आ गया, वो नहीं आया शाम को, वो माँ बैठने क्या ऐसा कर रहे हो, वो शायद क्या हो गया होगा उसको, ढूंढो। वो लैंटर लेके गा जाते हैं जंगल में, वो जोर से चिल्ला रहे उसका नाम लेकर, बाद में वो कहीं से दुर्बल ध्वनि से आ रहा है, गुरुजी इधर हो, कहाँ है? वहाँ पर एक कुआ है, पानी नहीं है उसमें, उसमें गिर गया है, क्या सो गया? गुरुजी बहुत भूख लग गया, वो सहन नहीं कर सका, सिर्फ वहाँ पर मोटे मोटे पत्थर थे, उसको उसमें अच्छा दूध वगैरह जैसा रहता है उसको मैंने खा लिया, बहुत पेट में जल रहा है, आँख भी नष्ट हो गया, देख नहीं सकता, नीचे गिर गया। गुरु जी बोलते हैं सर क्या परण है, अभी एक मंत्र उपदेश करता हूँ, वहीं एकाग्रता से जाप करो। अश्विनी मंत्र को उपदेश किया, गुरु जी की सेवा उसका बल है ना, एकाग्रता आ गई, आ गया अश्विन देवता आ गए, क्या रे बेटा सब हो रहा है, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाता। सा एक अपूप बलता है ना, अपूप मालूम है ओ, मतलब ये मीठा डोसा जैसा, मीठा डोसा थोड़ा छोटा रहता है ना, उसको खा लो सब कुछ ठीक हो जाता है, देता है वो बलता। मैं गुरुजी को न देखकर मैं नहीं खाता हूं, अश्विन देवता होते सुन लो, तुम्हारे गुरुजी को उनका गुरुजी ऐसा ही किया था, हमने दिया तो वो खा लिया, वो क्या करता मुझे मालूम है, मैं नहीं देखा नहीं खाता हूं। ऐसा क्या? एक बार स्पर्श किया पूरा पूरा ठीक हो गया, ऊपर उठा के लेके आ गया अश्विन देवता। बाद में अभी भिक्षा को जाता है, गुरु जी बोलता है खा लो, ऐसा दो तीन घर से लेके आता है, पर्याप्त हो जाता है उसको, ज्यादा नहीं खा रहा है अभी, नियम आ गया, शरीर के ऊपर नियंत्रण आ गया है ना। बाद में चार पांच दिन हो गया, वो गाय के साथ जब आया, गुरु जी देखा रे तुम्हारा मुंह को देखा,
तुमको ज्ञान मालूम हो गया है, ज्ञान मिल गया है तुमको, आंख से मुझे मालूम हो रहा है, डर हो गया उसको। गुरु जी किसी मानव नहीं बोला, मतलब और किसी के गुरु के पास गया ऐसा मत समझो, कौन बोला, गाय बोला, ऐसा क्या, इधर आ जाओ बेटा, बाकी मैं बोलता हूँ, बैठो इधर, क्या है, मतलब वो इस प्रकार की श्रद्धा गुरु में जब होता है वही तपस्या है, वो तप का फल के रूप से शास्त्र मार्ग होता है। मगर ना मैं कैसा मालूम होता है सुनो, वहां पर भी वो अभी इस जो प्रसंग में बोला मैं क्या हो गया, वो शरीर के ऊपर नजर जो था वो चला गया, हमेशा मैमी जो सर रहता है ये चला गया, अहंकार बिल्कुल नहीं है अभी। जब अहंकार नष्ट हो जाता है सब कुछ ठीक समझ में आता है। अहंकार है ना वही अड़चन है समझने के लिए। है ना, इसलिए वो श्रद्धा से जब अहंकार संपूर्ण मर जाता है तब ठीक तरह से समझता है। इसलिए वो अच्छा गुरु के पास जाकर इस प्रकार से सेवा वगैरह करके विद्या का संपादन करना। जी ऐसा गुरु नहीं मिला जी, मैं क्या करना, क्या मैं सब कुछ घर बार छोड़कर कहाँ से जा सकता हूँ हिमालय में? हर एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता, हम क्या करना अभी बोलते है नॉर्मल नहीं, थोड़ा देखो IIT में सीट नहीं मिला और किसी जगह में सीट लगा सीट ले लो बोलता है ना, उसी प्रकार इधर भी। लेकिन इधर भी क्या है, ट्यूशन अच्छा रहना है या नहीं, उसी प्रकार इधर भी वो इतना बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा आदमी है, दुरंकारी नहीं है, ठीक समझाता है शास्त्र में जो है उसी को बोलता है, कल्पना करके कुछ भी कुछ ना बोल नहीं बोलता। उसके बाद वो बहुत शास्त्र ही जानते हैं जी, उसी के पास जाओ, पता नहीं रामायण को महाभारत को बोलता है नहीं उतना ही समझो, बड़े शास्त्र नहीं सुन सका तो पता नहीं बाद में मालूम होगा, रामायण महाभारत भी बहुत बड़े शास्त्री है, मालूम हो जाता है, ऐसा करते रहो। इतना बोलने के बाद शास्त्र का कहता है महाभारत में भगवान व्यास जी एक बात बोलते हैं, देखो जी मैं नहीं जानता था किसी का पास गया, गुरु ऐसा स्वीकार कर लिया लेकिन बाद में मालूम पड़े ये ठीक नहीं है, तब उसको अवश्य छोड़ना, ये सूचना है। सब लोग बोल गए गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्याकार्यम् अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। मतलब क्या है, अवलिप्तस्य दुरहंकारी है, बहुत दुरहंकारी,
कार्याकार्य अजानता है, मैं बोल रहा हूं करो परवा नहीं, मैं बोल रहा करो, शास्त्र क्या बोलता है उसको परवा है, शास्त्र से बोलो, मैं बोल रहा हूं करो, शास्त्र बोलता है, है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित, क्या करना क्या नहीं करना उसको समझाने वाला और कोई नहीं हो सकता, शास्त्र ही बोल रहा, उसको छोड़कर हाँ मैं बोल रहा हूं करो, अच्छा बोला ये ठीक नहीं, उत्पत प्रतिपन्न से वो दुर्मार्ग में चला गया, दुराचार है चाहे तो परित्यागो विधेयते गुरु अरपि, गुरु होने पर भी उसको छोड़ना है, समझ में आ रहा है। ना इसलिए शास्त्र में कहीं भी अंधश्रद्धा नहीं बोलता है, इसको याद रखो, अंधश्रद्धा नहीं है, परिप्रश्न करो, पूछो प्रश्न, गुरु को भी टेस्ट करो, गुरु से प्रश्न पूछो, गुरु बोला इसलिए मैंने लिया, ऐसा कुछ नहीं बोला शास्त्र, है ना। इस प्रकार वो सोच कर काम करना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखो, भगवान की कृपा से ही ठीक आदमी मिलेगा। ठीक मतलब क्या है, मेरी योग्यता के अनुसार ये ठीक आदमी मिलेगा, बहुत बड़ा नहीं शायद नहीं मिला, छोड़ो कोई मिला है ना ये ठीक है, कैसा होता है भगवान की कृपा से होता है। इसलिए मैं सबसे ये बहुत जोर से एक बात बोलना चाहता हूँ, अद्वैत मोक्ष बड़े बड़े बात इधर रखो, लेकिन भगवान में पूर्ण शरणागत होना उसको सीखो, बाद में भगवान सब कुछ रास्ता दिखाएगा, ये भगवान का जिम्मेदारी है, मुझे मार्ग दिखाना भगवान की जिम्मेदारी है, मैं नहीं कर सकता उसको, वगैरह। इसलिए ये एकदम भगवान की शरण होना इसको सीखो, सब प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाता है, वो भगवान में वो इतना इतनी तक श्रद्धा रखकर किया, अहंकार नष्ट हो जाता है, भगवान कृपा मिल जाता है, वो मिल बाद में जरूर काम होगा, है ना। इसलिए क्या है, भगवान की कृपा से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना, समझ गए ना। और अभी टेक्निकल अभी शुरू होता है आगे, अभी तक कहानी जैसा था, है ना। इसलिए वो टेक्निकल बातें जब शुरू होते हैं ना, इसके पहले आप थोड़े समय के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछो, कुछ भी पूछो, संकोच मत करो। उपरति, उपरति मतलब और समीप में ही
भगवान में अंतरात्मा में रमण करना, ये इधर ही है ना, सब बांध इतना ही है अभी जो रखा है, ये भगवान है उसमें रमण, ये बहुत अच्छा है जी। ऊपर रति है, मतलब ऊपर मतलब समीप, रति मतलब रमण, उधर ही आनंद को देखना। उपरती को क्या बोला है? स्वधर्म परिपालन, स्वधर्म परिपालन उपरती को देना। देखो फिर एक बार देखो, तत्वबोध शंकराचार्य का है ऐसा नहीं है तो भी ठीक नहीं है। देखो फिर एक बार देखिए, और प्लीज डोंट हेजिटेट, प्लीज आस्क। हाँ, मुमुक्षा कैसा कल्टीवेट करना है ना, और भगवान इतना स्पष्ट बोला है। ओ जन्म दुख जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इसका मतलब क्या है? जन्म में जन्म दुख, जन्म दुख, दुख दोष अनदर्शन, हमेशा दुखी है तभी ये ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पैसा कमाते हैं तब ठीक नहीं है, है ना, हमेशा हम दोषों को देखते नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। तो बार बार दोषों को देखा इसमें इंटरेस्ट आता है। हमेशा याद रखो, मुमुक्षा जो चाहता है उसके लिए बोला है, सबको नहीं बोला। सबको क्या बोलता है? हो गया, एक बार ऐसा होता है, फिर एक बार कोशिश करो, बोलेगा। ये कि उपदेश सबको नहीं देता है शास्त्र, इसको याद रखो। सबको एक ही पाठ नहीं बोलता, मुमुक्षा चाहता है तो क्या करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनदर्शन, देखते ही रहना। अनदर्शन मतलब क्या है? बार बार देखते रहना, कुछ भी करो इसमें ये दोष है। निर्दोष क्या है? मोक्षा है, मोक्ष है। इसलिए उसमें श्रद्धा बढ़ती है। और स्वामी जी कल आपने कहा था सुषुप्त आत्मा मरती नहीं है, सुषुप्त आत्मा मरती नहीं है, मरती नहीं है। हाँ, तो उसमें युक्ति क्या है स्वामी जी? हाँ, वहां पर मरने के लिए कुछ है ही नहीं। सुषुप्त आत्मा में वो शरीर का संबंध है, जागृत काल में शरीर का संबंध है, इसलिए मरता हूं ऐसा हो सकता है, क्योंकि तो शरीर मरता है, शरीर मरता है, वहां पर मरने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए वो मैं हूं ऐसा दृढ़ होते रहा। मैं मनवा लगा चाहता हूं, मैं एक बात बोलता हूं सर, ओ आप जानते हैं पुनर्जन्म के कैसा होता है, ऐसा इसके बारे में बोला बहुत बार। ये जग में वो उस स्थान का बहुत बड़ा सर्जन है, टॉप मोस्ट, वो प्रवचन गाते थे, पुनर्जन्म के बारे में पूरा सुना, और जस्ट देन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक आज दे, अभी थोड़ा रिकवर हो गया, सो थोड़ा व्यायाम करने के लिए थोड़ा चलता फिरता था,
कार्यक्रम हो गया। वो उसी शहर में और एक जगह में प्रवचन था, वहाँ पर गया हूँ मैं, दो तीन दिन हो गया। वो कोई कार में आ गया, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, डॉक्टर बुला रहे डॉक्टर बुला रहे, अच्छा अच्छा क्या मैसिव हार्ट अटैक हो गया है, आप कुछ देखना चाहते हैं अर्जेंट। मैं सिर के ऊपर ही बैठा, क्या बोला हम जी पिछले महीने एक महीने के पहले हो गया हार्ट अटैक, बहुत डर गया भाई, उनको क्या होगा हॉस्पिटल क्या होगा ये क्या होगा, बहुत डर था। सुधीर के बारे में पूरा सब कुछ सुना, अब इस डर चला गया समझिए। अभी मैं वो शांत रूप से जा रहा, मैं जा रहा आज बात करो। मैं क्या बोलता हूँ, शास्त्र का बल है, वो शास्त्र में जो बोलता है उसको ठीक तरह से सुनकर समझा, इतना बल आता है अंदर से। क्या सुना, अरे नहीं मरता ही नहीं, फिर एक बार आ रहा, चिंता करने का क्या है, ऐसा हो गया। Anything else? So, can we go to the next uninteresting item? अच्छा, अभी सुनो, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। क्या है अभी हम क्या समझना, हमारा ध्येय क्या है, मैं कौन हूं ऐसा समझना। वो शास्त्र तो बोलता है आप ब्रह्म है ऐसा बोलता है, शास्त्र बोलता है इसलिए मैं इसमें विश्वास कैसा रखना, प्रश्न था ही नहीं। कोई बोला इसलिए ठीक है, वो कुछ ना कुछ बोल सकता है, शायद वही गलत है वो नहीं जानता है, ऐसा प्रश्न उठता ही नहीं। इसलिए कुछ भी हो समझना, ऐसा जहां कहां होता है कुछ भी समझना, वहां पर प्रमाण क्या है पूछता है। प्रमाण मतलब क्या है, वो इसके आधार पर नहीं समझा इसलिए ठीक होना ही है। जिसके आधार पर ठीक ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रमाण बोलता है ना। प्रमाण मतलब क्या है सुनो, मान मतलब मापना मेजर, प्रमाण मतलब प्रकर्ष, अच्छा मापना ठीक ठीक मापना है ना। इसलिए मैंने खुद मापा इसलिए विश्वास है मुझे, ऐसा होता है ना। इसलिए इस प्रकार जिस क्रम से स्पष्ट ज्ञान पैदा होता है उसको प्रमाण बोलता है। प्रमाण
क्या क्या है बोल बोलता हूँ बोलते रहो। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, श्रुति प्रमाण, पांच है ना। अभी सुनो, ये प्रमाण बोलते ही ओ ये साधन हो गया। ये साधन से जानने वाला मैं हूं, मुझे जिसका जिसको जानना था उसका ज्ञान प्राप्त हो गया है ना। जिसका ज्ञान प्राप्त होना वो प्रमेय बोलता है। क्या बोलो? प्रमेय मतलब जिसका ज्ञान होना है वो प्रमेय है। जिसको होना है वह प्रमाता है। बोलो। जो ज्ञान पैदा होता है वो प्रमा है। बोलो। जिस क्रम से जानता है वो प्रमाण। बोलो। अभी सुनो, प्रमाता, प्रमेय, प्रमा, समझ गए ना? एक बार बोलिएगा, प्रमाता, प्रमा, ये तीन है। वो हर एक काम में ऐसा तीन भाग होता है। क्या है बोलो? ध्याता, ध्येय, ध्यान, भोक्ता, भोज्य, भोग। ना भोक्ता भोगने वाला, भोज्य जिसको भोगता हूँ वो भोज्य, भोग प्राप्त हो गया भोग, ध्याता ध्यान करने वाला, ध्येय जिसके बारे में ध्यान करता हूँ, ध्याना मैं जो करता हूँ, ऐसा तीन तीन होता है ना, उसको बोलता है त्रिपुटी। बोलो। है ना। अभी इसको ध्यान में रखें। अभी प्रमाता, प्रमा, प्रमा बाद में, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, चार है। अभी प्रमाता जानने वाला, प्रमेय एक विषय है, प्रमाण जिस क्रम से मैं जानता हूं वो है। सुनो, वो एकदम प्रत्यक्ष इसको क्या है, ओ यहाँ पर फैन है, यहाँ पर फैन है, किसी को संशय है? किसी को संशय नहीं, नाम फैन है ना। क्या जी इसने जोर से बोल रहा है फैन है ऐसा ऐसा बोला? अरे देख रहा हो जी, देखा ना, समझ गए ना। इसलिए वो फैन प्रमेय है, मैं प्रमाता हूं, आंख प्रमाण है, आंख प्रमाण है। दृष्टांत मालूम हो गया? प्रमाण मतलब एक बार सब लोग बोलो, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम,
प्रमाकरण तिथे और प्रमा है ना ज्ञान पैदा करने वाला, ज्ञान को पैदा करने वाला प्रमाकरण परमा। ज्ञान किससे पैदा हो गया? अभी आग से पैदा हो गया, फिर वही प्रमाण हो गया। उसी प्रकार वो शब्द को, शब्द शब्द का ज्ञान हो गया। कैसा हो गया? कान से सुना, है ना? इसलिए वो कान प्रमाण है। ये वो बहुत मृदु है। कैसा मालूम पड़ा? स्पर्श से मालूम पड़ा। त्वचा प्रमाण है, उसको शक्कर डाला या नहीं देखो, काफी को देखो डाला है। कैसा मालूम पड़ा? जिह्वा। यहां पर गंध आ गया, कैसा मालूम पड़ा? घ्राण। सुनो भी, मैं प्रमाता हूं, प्रमाता एक ही है। पांच विषय है, सब लोग बोलो, शब्द, शब्द, स्पर्श, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक एक को समझने के लिए एक एक प्रमाण है। शब्द के लिए वो श्रोत्र है, संस्कृत में श्रोत्र बोलता है, और स्पर्श के लिए त्वचा, त्वक, रूप के लिए नेत्र, और स्वाद के लिए, रस के लिए जिह्वा, गंध के लिए घ्राण। श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा, घ्राण। ठीक है, अब याद रखो, यहां पर मैं श्रोत्र बोला, यहां पर यह है ना, ये श्रोत्र ये नहीं है ना। श्रोत्र क्या है? इसमें एक इंद्रिय है, यहां पर है, वो समझता है। मतलब सुनने का सामर्थ्य इसमें है लेकिन अंदर है। कभी कभी सामर्थ्य ठीक नहीं रहता, ये कान अच्छा ही रहता है। पर बंगलुरु में एक सज्जन है, उसका घ्राण बहुत सुंदर है लेकिन दुर्गंध भी नहीं जानता है, सुगंध भी नहीं जानता है, गंध नहीं जानता है। His nose is dead. नहीं ना, इंद्रिय अलग है। इसलिए पांच इंद्रिय है, देर बी ऑल ब्रेन में लीड्स जैसा रहता है, समझ गए आपको? श्री एक एक विषय के लिए एक एक प्रमाण है। इसको इंद्रिय बोलता है, को ज्ञानेन्द्रिय बोलता है। ये पांच को क्या है बोलो? ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय। संस्कृत में एक बार संस्कार होता है, बोलते रहो, श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा, घ्राण। है ना,
अभी पांचों को बोलता है प्रत्यक्ष प्रमाण, बोलो अभी क्या है। तो का प्रमाण मतलब ठीक ज्ञान देता ही है। कब देता है? आंख ठीक है तो ना, अरे आंख ठीक है ऐसा रखकर ही बात बोलते हैं। आंख ठीक है होने पर भी कभी कभी हम गलत जानते हैं। आंख ठीक है कभी कभी गलत जानते हैं। कैसा दृष्टांत है देखो, अभी थोड़ा प्रकाश कम था, वहां पर पड़ा है रस्सी, मैं इसको सांप है समझा। भलो है ये सांप है सांप है सांप है सांप है, लेकिन सांप नहीं है उधर, है ना? इसका मतलब क्या है? पूछा, आंख ठीक होने पर भी मेरे मन में डर है और डर के कारण मैं वो रस्सी में सांप को देखा। ये ठीक, इसका मतलब क्या है? वो मेरे में वो मन में कुछ ना कुछ दोष रहता है, ठीक ठीक परीक्षा नहीं करके बोल देता है। ऐसा गलत समझा तो गलत ज्ञान को मिथ्या ज्ञान बोलता है। बोला ये ज्ञान ठीक नहीं है, गलत है। मतलब क्या है मिथ्या ज्ञान? मतलब क्या है? अगर है रस्सी मैं समझ रहा हूं वो सांप, इसलिए मिथ्या ज्ञान। रस्सी को रस्सी ही ऐसा समझा, सम्यक ज्ञान है। बोला बीच में एक है ये रस्सी ही सांप जी, ये झट से मत बचाओ नजदीक, ऐसा है ना, उसको बोलता है संशय ज्ञान। बोलो, इसलिए मिथ्या ज्ञान संशय ज्ञान सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान संशय ज्ञान ठीक नहीं है, सम्यक ज्ञान एक ही ठीक है। है ना? लेकिन मैं ही गलत किया, आंख ने गलत नहीं किया, मैं ही गलत किया, समझ लो। समझ आ रहा है? क्या प्रत्यक्ष प्रमाण से जो मालूम होता है उसको हम स्वीकार करते हैं? बाद में प्रूफ कुछ नहीं है, हो गया प्रूफ। अरे मैं देखा हूं जी, देखा मतलब क्या है? जो कोई नहीं पूछता है, हो गया। मैं देखा मैं सुना बोला खत्म हो गया, बाद में संशय नहीं है, है ना? उसको बोलता है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, अभी दूसरा प्रमाण। दूसरा क्या है?
बोलो हनुमान प्रमाण। हनुमान प्रमाण मतलब क्या है, दृष्टांत से बोलता हूं। अभी मैं पहाड़ में धुआं को देखा, मैं बोला ओ उधर आग लग गया है, ऐसा बोलो। आग नहीं देखा, मैं देखा धुआं, लेकिन बोला आग आग है, ऐसा बोला। क्या ये देख रहा है धुआं, आग है, ऐसा कैसा बोल रहा है? अच्छा वहां पर लॉजिक है सर। क्या पूछा? देखो वो मेरे पाकशाला में, मैं तो बाथरूम में, मैं बार बार देखा हूं धुआं आग साथ साथ रहता है। धुआं आग क्या कैसा रहता है? साथ साथ रहता है। इसलिए वो आग को नहीं देख सकता, धुआं को देख सकता है। आपको अच्छा लगता है चिमनी से धुआं जाता है ना, को बहुत बहुत दूर से उसको देख सकते हैं। है ना, उसको देखकर आग है सब बोला मैंने। अभी लॉजिक ठीक है, क्योंकि आग धुआं साथ साथ ही रहता है। अभी मैं आग देख रहा हूं इसलिए उधर रहना ही है। इसको अनुमान प्रमाण बोलते हैं। यहां पर थोड़ा टेक्निकली बोलता हूं, सुनो। ओ धुआं को व्याप्य बोलता है, बोलो। धुआं को क्या बोलता है? व्याप्य क्या है? व्याप्य क्या है? व्याप्य क्या है बोलो। अभी धुंधा जो देख रहा है ना, आग व्यापक है, बोलो। व्यापक है आग और धुंध, धुआं का संबंध व्याप्ति है, बोलो। व्याप्य धुआ, व्याप्य व्यापक संबंध व्याप्ति, व्यापक आग। एक बार बोलिए, आग क्या है? धुआं क्या है? आग धुआं का संबंध क्या है? व्याप्ति। ठीक हो गया। अभी मैं आग को समझा, कैसा समझा? धुआं को देखा, व्याप्ति को देखा, व्याप्ति को याद किया, बाद में व्यापक को बोला। इसलिए अनुमाना, अनु मतलब क्या है, उसके बाद उसका अनुसरण करके, व्याप को देखा उसके बाद व्याप को स्मरण करके व्यापक को बोला, इसलिए वो अनुमान प्रमाण है। अनुसरण बोलता है ना, अनुसरण करना, उसके पीछे ही जाना, उसके पीछे पीछे जाकर बोलता हूं, इसलिए अनुमान प्रमाण बोलता है। स्पष्ट है? अभी देखो,
मैं वहाँ पर गया जी, आग लग गया बोला भक्ति जी ये मेरा सब कुछ वहाँ पर घास रखा हूँ जी, सूखा हुआ घास है वहाँ पर दौड़ा, आग है ना। मतलब तो क्या है, अनुमान प्रमाण में जो किया हूँ, अनुमान जो किया हूँ, अनुमान प्रमाण है जो किया हूँ वो ठीक है या नहीं, कैसा निश्चय होता है, जब व्यापक को प्रत्यक्ष प्रमाण से देखता हूँ तब मेरा अनुमान ठीक है। मैं मेरा वहां पर घास कुछ नहीं रखा, मैं ही बोला वहां पर आग है, आग मैं वहां पर गया देखा आग नहीं है, क्या जी यहां पर इतना धुंध धुआं है आग नहीं है, वहां का आदमी बोला ये धुआं नहीं है ये धुंध है बोला। इसका मतलब क्या है, मेरा व्याप्ति ज्ञान है जो है वो गलत है। गलत किसका है, ये गलत किससे हो रहा है, मेरे से। गलत किससे हो रहा है, मेरे से। अनुमान प्रमाण में गलत नहीं है, अनुमान प्रमाण में गलत नहीं है, लेकिन अनुमान प्रमाण का अन्वय करते समय है मैं धुंध को धुआ ऐसा समझा गलत है, गलत मेरा है ना। इसको क्यों बोल रहा है याद रखो, प्रमाण बोलते ही ठीक ज्ञान ही है होता है, लेकिन वहां पर गलत वो ठीक होता है या नहीं, वहां पर देखा गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, प्रमाण का गलत नहीं है मेरा गलत है। समझ आ रहा है आपको, इसलिए वो खुद देखना क्यों बोलते हैं, खुद देखकर सिर्फ अनुमान नहीं करना, खुद देखना क्यों बोलते हैं, पूछा मैं अनुमान का प्रमाण का अन्वय ठीक किया हूं या नहीं है देखने के लिए करना। मालूम हो गया आपको, मैं वहां पर जाकर क्या बोलता हूं, वो प्रमाण का अन्वय मैं ठीक किया हूं, मैं जो देखा वो धुआं ही है इसलिए वो आग ही है ना। इसलिए इस प्रकार अनुमान प्रमाण जो है वो कैसा होता है, व्याप्ति को देखकर उसके अनुसार व्याप्ति को समझकर व्याप्ति ज्ञान को स्मरण करके मैं व्यापक को बोलता हूं, इसलिए अनुमान प्रमाण। यहां पर प्रमाकरणम प्रमाण बोला, मतलब प्रमा किससे हुआ, व्याप्ति को देखा व्याप्ति को स्मरण किया, व्याप्ति ही प्रमाकरण है, व्याप्ति ही प्रमाकरण है। प्रमाकरण मतलब क्या है, जैसा आंख से मालूम हो गया प्रमाकरणम प्रमाण, यहां पर किसके कारण से हो गया, हाँ धुआं को देखा इसलिए हो गया। इसलिए आग बोलने के लिए प्रमाण क्या है, धुआं को देखा। अब रुकेंगे प्रमाण के बारे में, और एक डेढ़ दिन होता है।
बर्फ स्मृति स्मृति नमामि भगवत्पादं लोकशंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमाद्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।